Hello students, welcome to the next class of mathematics CBSE 10. और इस क्लास में हम लोग जो है रियल नंबर्स का आगे का चैप्टर्स करेंगे, आगे का एक्सरसाइज करेंगे एक्चुअली. तो इससे पहले हम लोग 1.2 तक कर चुके हैं एंड एक्सरसाइज 1.3 हम लोग को स्टार्ट करना है. और एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड जो नॉलेज चाहिए होगा वो हम इसमें सीखेंगे. एंड एक्सरसाइज 1.3 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स है, आपको पता है सभी एग्जांपल्स मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो वो सारा एग्जांपल्स इस वीडियो में होगा. ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है. हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, उसके बाद और फिर 1.1 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया है. फिर हमने सीखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक. ठीक है, तो ये हमने कर लिया है. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और एक्सरसाइज में भी हमने सॉल्व कर लिया है इस चैप्टर में. या अभी यहाँ पर हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि कैसे, जैसे ये रूट टू आपको जो नंबर दिख रहा है, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव. ठीक है, तो जहाँ पर ये जो रूट के अंदर जो प्राइम है, जो नंबर है, ये एक्चुअली प्राइम नंबर है, इसको कैसे हम लोग क्या प्रूफ करें, इरेशनल प्रूफ करें, ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे. ठीक है, इसके लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक इसका नॉलेज चाहिए होगा. और भी कुछ रिक्वायर्ड नॉलेज जो चाहिए वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, बट उससे पहले मैं थोड़ा रैशनल एंड इरेशनल इसके बारे में थोड़ा सा आपको जस्ट रिमाइंड करा देता हूँ. ऑलरेडी मैं इस चैप्टर का स्टार्टिंग में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था मैंने रैशनल और इरेशनल के बारे में. ये ऑलरेडी क्लास 9 में आपने जो है पढ़ा हुआ है इसके बारे में. तो मैं बता देता हूँ कि रैशनल नंबर क्या है एंड इरेशनल नंबर क्या है, जस्ट फॉर रिविज़न. ठीक है, तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P बाई क्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर हमको ये पता होता है कि P एंड Q आर को प्राइम. को प्राइम होने का मतलब क्या है कि इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा. एंड दूसरा नेसेसरी फैक्टर क्या है कि Q इज नॉट इक्वल टू जीरो. यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू जीरो होता है. तो कोई भी नंबर जिसको हम लोग P बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो और Q का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता हो तो उसको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंटीजर्स ले लेते हैं, जैसे -2, 0 को ले लीजिए, 1 को ले लीजिए, तो ये सभी जो है एक तरह का रैशनल नंबर है. क्यों? -2 को हम लोग लिख सकते हैं -2/1, 0 को लिख सकते हैं 0/1, 1 को लिख सकते हैं 1/1, है ना. तो ये सारा रैशनल नंबर हुआ. उसी तरह से कुछ डेसिमल नंबर्स होते हैं जो कि हमारा रैशनल नंबर में आते हैं. जैसे अगर मैं लिखता हूँ 1.4 मान लीजिए, ठीक है, ये कैसा डेसिमल है, हम लोग बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है. क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग, पहले हमने पढ़ा हुआ है. तो टर्मिनेटिंग मतलब जो ख़त्म हो जाता है, मतलब डेसिमल के बाद वो एक 1 decimal, 2 decimal, 3 decimal जितना भी होना होगा उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है. इसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं. 1.4 को हम लोग लिख सकते हैं 14/10, है ना, ये पॉइंट उठने की वजह से नीचे 10 आ जाएगा. तो ये 2 7 14, 2 5 10 क्या आ गया, ये 7/5 आ गया. तो हो गया ना, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको हमने पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल इसका मतलब क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, ये ध्यान रखना है. अभी अगला देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ऐसा है जो डिवाइड ख़त्म नहीं होगा. तो इसका दो तरीके का नंबर हो सकता है. एक है मान लीजिए ये 2.33333333, ये रिपीट होता जा रहा है. तो ये किस तरह का नंबर है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर रेकरिंग बोल सकते हैं हम लोग. नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग. रेकरिंग क्यों? क्योंकि सेम नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है. इसको इन शॉर्ट ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2.3
बार, इसका मतलब यहाँ पे 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के नंबर को भी हम लोग ने क्लास 9 में सीख लिया है कि इसको भी हम लोग जो है पी वाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर एक नंबर डेसिमल के बाद जो है बार बार पैटर्न में रिपीट हो रहा हो, तो ये भी रैशनल नंबर होता है। लेकिन अगर ऐसा कोई नंबर है डेसिमल के बाद, ठीक है, जैसे मान लीजिए डेसिमल के बाद 1.62341793246, तो ये एक नंबर है और भी आगे चलता जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी पैटर्न से नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, रैंडमली नंबर्स आ रहे हैं, तो इस तरह का नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, क्योंकि इसको जो है हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह के नंबर को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ये एक तरह का रैशनल नंबर हो गया। और रूट वाले नंबर्स भी, रूट वो भी कौन सा, जो प्राइम नंबर्स का रूट, जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, इस तरह से और भी प्राइम नंबर्स हो गए। तो जब तक ये जस्ट इस तरह से ये रैशनल नंबर है, लेकिन जब इसमें रूट लग जाएगा ये भी एक इरेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। ये जो रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, एक्चुअली इसी के ऊपर ये एक्सरसाइज है। ये सारे नंबर्स भी जो है, जैसे ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल नंबर्स है, क्योंकि इसका जब आप लॉन्ग डिविजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के लिए जाएंगे, तब आप ये देखेंगे कि ये जो नंबर्स है डेसिमल में, जो इसका मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जो इसका नंबर है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा और कोई नंबर इसका रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो इन दैट सेंस ये इरेशनल नंबर होते हैं, और इसको ही इरेशनल कैसे प्रूव करना है वही हम इस एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ, मतलब जो इस चैप्टर का है उससे रिलेटेड चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। चलिए, एक और चीज़ ध्यान रखना है, पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। हालांकि पाई का आपने बोला, आप फिर बोलेंगे सर उसको तो हम 22/7 लिख सकते हैं। पाई का जो ये 22/7 वैल्यू है, ये जस्ट फॉर कैलकुलेशन हमने इसको एज्यूम कर लिया है, ये एक एज्यूम वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ठीक है। पाई एक्चुअली एक इरेशनल नंबर है, उसको हम लोग पी बाई क्यू में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये जो 22/7 हमने सीख रखा है, ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना कि आज से ये पाई भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब मैं ओके स्टूडेंट्स, थ्योरम 1.3 ये हम लोग को अभी सीखना है, ठीक है। आगे अगर हम लोग को ये जो मैंने बताया, ये सारे नंबर्स को अगर रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 जो भी नंबर्स हम लोग को मिला, अगर इसको इरेशनल प्रूफ करना हमको सीखना है, तो ये थ्योरम 1.3 के बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं थ्योरम क्या बोल रहा है, फिर मैं उसको अपने तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि ईजिली समझ में आ जाए। बोला है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर, पी कोई भी एक प्राइम नंबर है, और पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन पी डिवाइड्स ए, तो पी जो है ए को भी डिवाइड करेगा। मैं इसको समझाता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। पी डिवाइड्स ए स्क्वायर बोला है, ठीक है। पी कोई एक प्राइम नंबर है, पी जो है कोई एक प्राइम नंबर है, वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। चलिए मान लेते हैं मैं सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ले लेता हूँ, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, मैंने पी को जो है 2 ले लिया, ए को 4 ले लिया, तो ये स्टेटमेंट मेरा राइट है। 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, 2 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है कि नहीं चेक कर लीजिए। 4 स्क्वायर मतलब क्या है, 16 है, ठीक है स्टूडेंट्स। 4 स्क्वायर 16 है, मतलब 16 2 से डिवाइड होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट है, 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, ठीक है। आगे इस थ्योरम में क्या बोल रहा है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर p डिवाइड्स a, तो 2 डिवाइड्स 4 हो रहा ना, राइट। 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर को 2 डिवाइड कर ही रहे हम देख रहे हैं, तो इससे हमको ये मिलेगा कि 2 जो है 4 को भी डिवाइड करेगा। और ये जो प्रॉपर्टी है, आप कोई भी नंबर ले लेंगे उसके लिए ट्रू होगा। और दूसरा प्राइम नंबर से मैं चेक करके आपको बताता हूँ, देखिए 3 डिवाइड्स 81
81 मतलब 9 स्क्वायर, तो 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर, 9 इसका मतलब 81। देखिए 81 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड हो जाएगा, 3 टू जा 6, 3 7 जा 21, तो 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर, 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 81 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। मैं इसको स्क्वायर फॉर्म में इससे लिख रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ मैं, तो 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर, देखिए 3 9 स्क्वायर को डिवाइड करता है, 3 9 को भी तो डिवाइड करता है ना, आ रहा समझ में? तो यहाँ पर इन जनरल फॉर्म ये लिखा हुआ है कि कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, किसी ने से 2 एक प्राइम नंबर, ये 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड कर देगा। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है और ये 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, तो 2 जो है 4 को भी डिवाइड कर देगा। दूसरा एग्जांपल, 3 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, तो 3 जो है 9 को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर q डिवाइड्स b स्क्वायर अगर हम बोलते हैं, तो इसका मतलब q डिवाइड्स b, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको जो है दिमाग में डाल देना है, खास करके ये स्टेटमेंट, क्योंकि आगे हम लोगों को ये जो है यूज़ करना है इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए, ठीक है। p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, हम डिवाइड के जगह पे यहाँ पे जो है फैक्टर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 2 इज़ फैक्टर ऑफ 4 स्क्वायर देन 2 इज़ फैक्टर ऑफ 4, 4 स्क्वायर का फैक्टर तो हो ही रहा है ना 2, क्योंकि 4 स्क्वायर मतलब क्या 16 है, तो 16 का तो फैक्टर होता ही है 2, तो इफ 2 इज़ फैक्टर ऑफ 4 स्क्वायर देन 2 इज़ फैक्टर ऑफ 4 ऑल्सो। उस तरह से 3 इज़ फैक्टर ऑफ 9 स्क्वायर देन 3 इज़ फैक्टर ऑफ 9 ऑल्सो। मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जैसे 4 स्क्वायर इज़ मल्टीपल ऑफ 2, 4 स्क्वायर मतलब 16, 16 एक 2 का मल्टीपल है, 4 स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2 देन 4 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। इस तरह से 9 स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3 देन 9 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। बट इतना इसे समझाने के लिए बोला मैंने, आपको जो स्टेटमेंट दिमाग में रखना है वो ये है, एकदम ध्यान रहे, ठीक है। और बुक में प्रूफ दिया हुआ है, बुक का जो तरीका है ये इस तरीके से दिया हुआ है, ज़रूरी नहीं कि आपको ये करना पड़े, ठीक है, क्योंकि प्रूफ करने के लिए ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये सिर्फ हमको यूज़ करने के लिए आएगा। तो यूज़ करने के लिए जितना नॉलेज चाहिए मैंने आपको अच्छे से समझाया है यहाँ पे, आप इसको रिपीटेडली देखिएगा, ठीक है। चल आगे मूव करते हैं, अभी रूट टू इज़ इरेशनल, ये कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक मेथड है कि आप जो है इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए लॉन्ग डिवीजन करके, चलिए मैं वो करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए रूट टू को मुझे इरेशनल प्रूफ करना है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, टू का रूट, तो रूट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पेयर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे टू अकेले ही है तो एक ही सही। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वन वन जा वन, टू माइनस वन, यहाँ पे वन रहेगा, और यहाँ पे जो भी रहता है उसके साथ हम टू मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर यहाँ पे जो नंबर रहता है उसके साथ जो लिखते हैं उसी को ऐड करते हैं, दोनों ही सेम, तो टू वन जा टू। अभी पॉइंट देके हम लोग जैसे डिवाइड में एक ज़ीरो लेते हैं, स्क्वायर रूट में कितना लेते हैं, दो ज़ीरो एक बार में। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर प्लेस करना है जिससे इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करके 100 लेके आना है, तो नंबर क्या हो सकता है देखते हैं, 5 हो सकता है क्या, 25, 5 से अगर करेंगे तो आता है 125, नहीं ये ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन 24 से अगर करते हैं, 4 जा 16, 4 जा 8, 96, यस 4 से जाएगा ये 24, ठीक है, यहाँ पे भी 4 आएगा, जो 4 यहाँ लिख रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 96, तो ये हो जाएगा 4, फिर पॉइंट से डबल ज़ीरो। अब यहाँ पर कितना है, 14, 14 इंटू टू 28 आएगा यहाँ पे,
अभी फिर से हमको यहाँ पे एक नंबर प्लेस करना है जिससे पूरे नंबर को मल्टीप्लाई के लेके आना है। अब देखिए यहाँ पे अगर 1 देता हूँ तो ये क्या होगा, 281 इंटू 1, 281, और अगर 2 प्लेस करता हूँ वहाँ पे तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, 564। तो 2 से देने से ज़्यादा हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली हमको किससे देना होगा, 1 से देना होगा। तो 281 1 जा 281, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 9 1 10 10 119, और आगे इसको करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 1 जा 2, और यहाँ पे 119 है, पॉइंट से फिर से 00, स्क्वायर रूट में 00 मिलता है हमको। अब दोबारा से हम यहाँ पे एक ऐसा नंबर प्लेस करेंगे जिसके साथ ये पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए, तो ये 4 से देखते हैं, 2 8 2 4 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9 8 4 जा 32, कैरी 3, 4 2 जा 8 9 10 11, तो लगभग 11,296 इसी से जाना चाहिए इसका मतलब। तो यहाँ पे हमारा 4 से ठीक है 11,296, माइनस करते हैं इसको, थ्री सिक्स नाइन सिक्स सेवन फोर, फिर पॉइंट से 00, और यहाँ पर कितना आएगा, 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 1 जा 2, फिर एक और नंबर हमको यहाँ पे प्लेस करना है जिससे पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए। 0 ले लिया ऑलरेडी हमने, थ्री से देखते हैं, 2 8 2 8 3, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 7 8, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 7 8, और ज़्यादा हो जा रहा है इससे नहीं होगा। 2 से देखते हैं, 2 8 2 8 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, 2 8 जा 16, हाँ तो 2 8 2 8 2 से जाएगा 5 6 5 6 4, है ना, माइनस करके फिर कुछ आएगा, तो इस तरह से ये डिवाइड जो है चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी, जितना भी आपका ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा था, देखिए डेसिमल के बाद जो नंबर ये 4 1 आया, फिर 4 2 आया, मतलब कोई पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा ये नंबर, है ना, तो इसका मतलब ये रूट टू क्या है, इरेशनल है। तो ये एक तरीका हुआ इसको इरेशनल प्रूफ करने का कि आप इसको निकाल दीजिए, लेकिन ये जो है टीडियस वर्क होगा जिसमें आपको डेसिमल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, देखिए कितना सारा कैलकुलेशन है, एंड देन फिर गलत होने का भी चांसेस है। तो इसको जो है हम एक मेथड से प्रूफ करेंगे जिसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, तो वो मेथड मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये जो मैंने करके दिखाया ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम होता तो एक बार प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जिस तरह के से आपको प्रूफ करना है इरेशनल, वो जो प्रॉपर तरीका है मैं आपको बताता हूँ अभी। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड, वो जो मेथड मैंने दिखाया वो है लॉन्ग डिविजन मेथड। अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या क्या करने वाले हैं हम, टू प्रूव रूट टू इज इरेशनल। अब इसी एक क्वेश्चन में पूरा एक्सरसाइज पूरा ये ख़त्म हो जाएगा, अगर इस चीज़ को आपने ध्यान से समझ लिया है, क्योंकि जो स्टेप्स में बता रहा हूँ सेम वही रहेगा, बस नंबर चेंज हो जाएगा। अगर जैसे रूट टू आ गया, जब रूट थ्री आ जाएगा तो जो भी स्टेप्स मैं दिखाऊंगा सेम वही स्टेप्स रहेंगे, खाली रूट टू की जगह रूट थ्री बैठा दिया जाएगा। ओके, तो स्टेप्स को ध्यान से देखना। रूट टू को इरेशनल प्रूफ करने के लिए पहले हम मान लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, लेट
रूट टू इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। और रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी बाई क्यू मैंने बोला था, तो अगर इसको हम रैशनल नंबर अज्यूम कर रहे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं सो रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू, राइट। वेयर, ये स्टेटमेंट्स बड़ा ध्यान से दिखेगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या है कि जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो आप को प्राइम वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं वेयर पी एंड क्यू डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, ठीक है। पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड दूसरा नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। अभी रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू लिया हमने स्टूडेंट्स, राइट, क्योंकि ये रैशनल नंबर है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, लेट अस स्क्वायर बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड व्हाट वी विल गेट, यहाँ पे लिख देना आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। रूट टू का स्क्वायर तो टू हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, है ना, टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, क्योंकि ये क्यू स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, अगर मान लीजिए मैं किसी नंबर को ऐसा लिखता हूँ, जैसे 10 का फॉर एग्जांपल, इजी एग्जांपल लेता हूँ कि 10 इज इक्वल टू मैंने लिखा 2 इंटू 5, तो अगर मैंने 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 लिखा, इसका मतलब क्या, 10 इज़ मल्टीपल ऑफ 2, राइट, है ना, 10 इज़ मल्टीपल ऑफ 2, इसका मतलब क्या, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, 2 इंटू समथिंग है, दैट मीन्स व्हाट, 10 इज़ मल्टीपल ऑफ 2, या फिर इन अदर वर्ड्स मैं ये बोल सकता हूँ 2 डिवाइड्स 10, बोल सकता हूँ ना, देखिए ये वाला अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको समझाया था, तो मैं बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ 2 डिवाइड्स 10, राइट। तो यही चीज़ अब यहाँ पे थोड़ा गौर से देखिए, यहाँ पर क्या है एक्चुअली, पी स्क्वायर इज इक्वल टू है 2 इंटू क्यू स्क्वायर, है ना, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड्स, सेम इस तरह से 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, क्लियर है चीज़। तो अगर 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब 2 ऑल्सो डिवाइड्स पी, यही तो थोड़ी देर पहले सीखा हमने, 2 डिवाइड्स पी, तो ये वाला चीज़ इसको यहाँ पर हमको लिखना है, ये समझ में आया ना, क्लियर, ठीक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से हमको क्या मिला, इट इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, इसका मतलब 2 डिवाइड्स पी, है ना। तो अगर 2 जो है पी को डिवाइड करता है, इसका मतलब पी का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा जो मल्टीपल ऑफ 2 ही होगा, तो उसको हम लोग फिर ले सकते हैं, लेट पी इज इक्वल टू 2r, हमने पी का वैल्यू 2r ले लिया, उसको फिर यहाँ पुट करेंगे। इक्वेशन क्या था हमारा, 2q² इज इक्वल टू पी स्क्वायर था ना, तो पी के जगह पे 2r पुट कर दे, देखिए पी के जगह पे 2r क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि पी जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स पी कोई 2 का मल्टीपल है, इसीलिए हमने 2r ले लिया। इसमें ये भी लिख सकते हैं फॉर सम इंटीजर r, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं इंटीजर r, 2r स्क्वायर, ओके। इसके बाद यहाँ पे देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2q² इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर, राइट। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 आर स्क्वायर बाई 2, है ना, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से ये कट जाएगा 2 आर स्क्वायर,
फिर ऐसे एक सिचुएशन यहाँ पर भी आ गया, देखिए जैसे यहाँ पे पी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू क्यू स्क्वायर था, यहाँ पे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू आर स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, टू डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो अगर टू क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब टू डिवाइड्स क्यू। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक चीज़ हमको मिला है, क्या मिला है, टू डिवाइड्स यहाँ पे हमको मिला है टू डिवाइड्स क्यू एंड यहाँ पे हमको मिला है टू डिवाइड्स पी। इसका मतलब क्या है कि टू जो है क्यू को भी डिवाइड कर रहा है और टू जो है पी को भी डिवाइड कर रहा है। तो अगर कोई एक नंबर दो डिफरेंट नंबर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा वो नंबर उसका कॉमन फैक्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेते हैं सिक्स और एक नंबर ले लेते हैं टेन। टू जो है थ्री को सिक्स को भी डिवाइड कर सकता है, टू जो है टेन को भी डिवाइड कर सकता है, तो इसका मतलब क्या है, टू एक कॉमन फैक्टर है ये दोनों का, है कि नहीं, समझ में आ रहा ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वही चीज़ देखिए, टू जो है यहाँ से हमको मिला, टू पी को भी डिवाइड कर रहा है और टू जो है क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट वी गेट, वी गेट इसको लिखना होगा, वी गेट टू इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, मिला ना, एग्री कि टू जो है पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर है, राइट। अब देखिए, हमने पहले ही सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ही एक एजम्पशन किया था कि पी एंड क्यू आर को प्राइम, यहाँ पे दिख रहा है पी एंड क्यू आर को प्राइम, एंड को प्राइम होने का मतलब मैंने बताया था, को प्राइम का क्या मतलब है, डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन, ठीक है। तो दो अलग अलग बात हो गया ना सेम क्वेश्चन में, एक तो हमको ये मिल गया कि टू इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, और जबकि हमने पहले अज्यूम कर लिया था दे आर को प्राइम, को प्राइम होने का मतलब पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है, तो पी और क्यू का कॉमन फैक्टर आ गया और हमने पहले अज्यूम किया था दे आर को प्राइम, सो हम बोल, ये दोनों स्टेटमेंट में क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है जिस मेथड का हम जिक्र कर रहे हैं, ये दोनों ही स्टेटमेंट में एक कॉन्ट्राडिक्शन है ना, तो हम लोग यही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम, ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ, ठीक है। एंड ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, आपको क्यों लगता है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए अराइज हुआ है क्योंकि हमने जो अजम्पशन किया था रूट टू इज़ ए रैशनल नंबर, ये ही गलत है, ठीक है, ये गलत अजम्पशन करने के करना किया है हमने, तभी ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, ठीक है। द कॉन्ट्राडिक्शन ये लिखना है, द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस because of our incorrect assumption that क्या root टू is irrational, sorry root टू is rational, ये कॉन्ट्राडिक्शन किस लिए अराइज हुआ, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया कि रूट टू जो है एक रैशनल नंबर है, तो इसी से प्रूव हो जाता है, हेंस लिख देंगे रूट टू इज इरेशनल, ठीक है। अब रूट टू के जगह पे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, यहाँ पे अगर रूट थ्री दे दे तो इधर रूट थ्री आ जाएगा, यहाँ पे रूट थ्री आ जाएगा, इस जगह पे थ्री आ जाएगा, यहाँ पे फिर थ्री आ जाएगा, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे थ्री,
है ना, फिर यहाँ पे आपको 3 R लिखना है। तो कोई भी नंबर, जस्ट स्टेप्स यही फॉलो करने हैं, नंबर जो भी देगा बस 2 के जगह पे वो नंबर डाल देना है, ठीक है। आगे और वो वैसे वैसे क्वेश्चंस भी रहेंगे आपका, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा विद दिस स्टेप्स, एंड जैसे जैसे सीक्वेंस में मैंने दिया है तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया, बुक में उतना डिटेल स्टेप्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बस शॉर्ट में दिया हुआ है, बट ऐसे आपको नहीं करना है, थोड़ा सा डिटेलिंग स्टेप्स वगैरह दिखा के करना है, ठीक है। ऐसा आप गो थ्रू कर सकते हैं, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जस्ट इग्नोर इट। जो स्टेप्स मैंने आपको दिखाया है स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही आप उसको प्रूव कीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अभी हम लोग। फॉर एग्जाम्पल 9, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। जैसे अभी अभी √2 का इरेशनल प्रूव करना सिखाया है, सेम उसी तरीके से इसको भी प्रूफ करना है। चलिए इसको भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। हमको क्या प्रूफ करना है इसमें, √3 इज इरेशनल, ये प्रूफ करना है ना। चलिए, तो पहला स्टेप क्या है, हमको मान लेना है कि लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। तो अगर √3 रैशनल नंबर है, हम लोग क्या कर सकते हैं, सो √3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम का क्या नंबर है कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मैं ये सॉल्व करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको स्टेप्स का ध्यान रहे। नाउ √3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, अगला स्टेप हमने क्या किया था, स्क्वायरिंग किया था ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या मिलता है हमको, हम चाहे तो ये जो स्टेप मैं लिख रहा हूँ उसको स्किप करके डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकते हैं जो मैं अभी लिख रहा हूँ, कि 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 q² इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। तो जो थ्योरम सिखाया था वो फिर से काम आ जाएगा, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × q², दैट मीन्स वॉट, 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, है ना, समझ में आया नहीं। देखिए फिर मैं एग्जांपल दे देता हूँ एक, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक नंबर है 27, 27 इज इक्वल टू अगर 3 × 9 में लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या कि 3 27 को डिवाइड करेगा, 3 एक्चुअली इसका मतलब 27 जो इसका मल्टीपल हो रहा है, 3 का मल्टीपल हो रहा है, तो इसका मतलब 27 को 3 डिवाइड कर देगा, नहीं कर देगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ पर है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × q², सेम चीज़। देखिए 27 की जगह पी स्क्वायर रख दीजिए और 9 की जगह क्यू स्क्वायर रख दीजिए, इसका मतलब क्या है, 3 डिवाइड्स p² तो वही चीज़ हमने लिखा है, 3 डिवाइड्स p², ठीक है। तो अगर 3 डिवाइड्स p² जो थ्योरम हमने अभी सीखा है 1.4 में, तो 3 डिवाइड्स अगर पी स्क्वायर है, इसका मतलब क्या, 3 डिवाइड्स p, इसका मतलब p को हम लोग लिख सकते हैं कि लेट p इज इक्वल टू 3 R। जब √2 का हमने प्रूव कर रहे थे तब यहाँ पे 2 R लिया था, अब √3 का कर रहे तो 3 R लेंगे, जब √5 का करेंगे तब यहाँ पे 5 R लेंगे, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 3 q² इज इक्वल टू 3 R² ये जो इक्वेशन है इसी को लिया है, ये 3 q² इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी के जगह पे जस्ट 3 R पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 3 q² इज इक्वल टू 9 R² विच इम्प्लाइज q² इज इक्वल टू 9 R² / 3, ये कट जाएगा, तो ये कितना रहेगा, q² इज इक्वल टू
आर स्क्वायर है ना, फिर से ऐसा सिचुएशन आ गया ये अभी ऐसा वाला। इस बार क्या हो जाएगा, थ्री डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। एंड सिंस थ्री डिवाइड्स क्यू स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि थ्री डिवाइड्स क्यू, फिर से देखिए क्या आया, थ्री डिवाइड्स क्यू ये आया है और इधर पे थ्री डिवाइड्स पी। तो सेम नंबर से दो अलग अलग नंबर हम डिवाइड कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, वो नंबर जो है वो दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर होगा। तो वी गेट थ्री इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, बट पी एन क्यू का कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने पहले ही एज्यूम कर रखे है पी एन क्यू आर को प्राइम, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है एज यूजल, बिकॉज हमने रॉन्ग अजम्पशन किया। द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that root 3 is rational, ये आर है, therefore या hence हम लोग क्या लिखेंगे, root 3 is irrational, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं। तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, लगभग वही स्टेप्स रहेंगे, थोड़ा सा थोड़ा बहुत इधर रहेगा, बट मैं जिस तरीके से करा रहा हूँ वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे है स्टेप्स को प्रेजेंट करने का, तो उसी हिसाब से जो है इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करना, ठीक है। ओके नेक्स्ट है एग्ज़ाम्पल 10। बट एग्ज़ाम्पल 10 स्टार्ट करने से पहले क्लास 9 में कुछ बातें हमने सीखा था, मैं श्योर हूँ तो बिल्कुल याद नहीं होगा अभी, तो इसलिए उसको एक बार रिकॉल करते हो। बातें क्या है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, ठीक है। सम एंड डिफरेंस मतलब सम मतलब प्लस एंड डिफरेंस मतलब माइनस। एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी इरेशनल आता है। जैसे कि मान लीजिए 10 एक रैशनल नंबर है और रूट टू एक इरेशनल नंबर है, तो 10 प्लस रूट टू ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। या फिर 10 इन माइनस रूट टू सम भी डिफरेंस भी ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। फिर क्या बोला, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कैसे आता है, डिवाइड करके, मतलब डिवाइड ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन कब आता है, डिवाइड करके। तो एक नॉन जीरो रैशनल और इरेशनल नंबर का क्या होगा, रैशनली आएगा। फॉर एग्जांपल यही 10 और 2 को रूट 2 को ले लेते हैं, जैसे कि 10 इंटू रूट 2 करेंगे तो क्या आएगा, 10 रूट 2, तो 10 रूट 2 भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। या फिर 10 डिवाइडेड बाय रूट 2 करेंगे तो भी जो नंबर आएगा वो इरेशनल आएगा, या फिर रूट 2 बाय 10 कर दीजिए आप तो भी जो नंबर आएगा वो इरेशनल होगा। सीधे शब्दों में, वन लाइन में, रैशनल और इरेशनल नंबर का प्लस माइनस इनटू डिवाइड कुछ भी कर लीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल नंबर,
ठीक है, इतना सब जो बात है वो एक सेंटेंस में ख़त्म हो जाता है कि एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर, अगर ये नंबर्स का हम प्लस माइनस इनटू डिवाइड कुछ भी करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, वो इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो किस तरह से रूट टू रूट थ्री को इरेशनल प्रूफ करना चाहिए वो मैंने सिखा दिया आपको। अभी एग्जांपल 10 में एक बाइनोमियल को कैसे इरेशनल प्रूफ करना है वो इसमें आपको मैं सिखाऊंगा। बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म हो। तो देखिए ये बाइनोमियल है 5 - √3, इसको इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका। इसमें भी प्रोसेस वही फॉलो करेंगे हम लोग। क्या कर लेंगे, पहले मान लेंगे कि लेट 5 - √3 इज रैशनल। पहले इसको मान लेते हैं कि ये रैशनल है। ठीक है, तो अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब क्या, सो 5 - √3 इज इक्वल टू ए बाई बी या पी बाई क्यू भी ले सकते हैं, वेयर ये जो स्टेटमेंट है ना, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो ही जाएगा आपको, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में स्टेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसमें जैसे हम लोग स्क्वायरिंग करते थे, इसमें स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। इसमें क्या करना है, देखिए ये लिया हमने 5 - √3 इज इक्वल टू ए बाई बी। अब क्या करेंगे, रूट को हम जो है रूट वाले नंबर है उसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो रूट थ्री को इधर लेके जाते हैं और ए बाई बी को इधर लेके आ जाते हैं। तो ये बन जाएगा 5 माइनस, क्योंकि ए बाई बी इधर प्लस है, जब इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 5 - a/b। अब √3 इधर माइनस में है, इधर जाने से ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा ऑब्वियसली। तो 1 और b का एलसीएम कितना होगा, b होगा, ये हो जाएगा 5b - a इज इक्वल टू √3। अब देखिए 5 - 3 इज इक्वल टू a/b, ये मतलब एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर होने का मतलब क्या है, ए और बी एक्चुअली क्या होंगे, ए एंड बी आर एक्चुअली इंटीजर्स है ना। मैं ये क्यों बोल पा रहा हूँ या क्यों बोल रहा हूँ इंटीजर्स, बिकॉज़ कोई भी रैशनल नंबर उठा लीजिए, जैसे 2/3 ये एक रैशनल नंबर है ना, -1/5 और भी कोई आपके दिमाग में आता है तो आप कॉपी में लिख लीजिए। इसका ऊपर भी क्या है, एक इंटीजर है, और नीचे भी क्या है, एक इंटीजर है। इसके भी ऊपर एक इंटीजर है, नीचे भी एक इंटीजर है, तो इसीलिए इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी दोनों एक इंटीजर है। अगर ए और बी एक इंटीजर है तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये एक्सप्रेशन ये एक रैशनल नंबर होगा। कैसे होगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए का एक इंटीजर वैल्यू ले लेता हूँ 1, बी का एक इंटीजर वैल्यू ले लेता हूँ 2 और इसमें पुट कर देते, तो 5 5b मतलब 5 - 2 - 1/2, तो क्या हो जाएगा, 5 - 10 - 1 - 9/2। तो ये एक रैशनल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए और बी अगर इंटीजर है तो इसका जो भी वैल्यू होगा वो एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ध्यान से समझना यहाँ पे, वो एक रैशनल नंबर होगा। तो अगर वो रैशनल नंबर है तो इसका मतलब √3 भी रैशनल होगा, क्योंकि ये इक्वल है ना, ये और ये दोनों इक्वल है। तो अगर ये रैशनल नंबर है दैट मीन्स √3 भी रैशनल नंबर है। लेकिन आप बताइए मेरे को, क्या √3 रैशनल नंबर है, ये तो हमको ऑलरेडी पता है कि √3 जो है एक इरेशनल नंबर है ना। तो ये स्टेप के बाद आपको एक स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, ये जो जो भी चीज़ मैंने बताया उसको समझाने के लिए वो स्टेटमेंट, हाँ यहाँ पर दिया हुआ, चलिए इसी को हाईलाइट करता हूँ मैं। ये स्टेटमेंट को लिखना है, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, और ए एंड बी इंटीजर्स है ये तो मैंने समझा दिया आपको। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स वी गेट 5 - अच्छा यहाँ पर जो ये 5 - a/b है इसको रिप्लेस कर दीजिएगा आप, इसके जगह पे इस एक्सप्रेशन को लिखिएगा। यहाँ पर भी निकाला हुआ है इन्होंने, देखिए, बट ये लिख दिया गलती से, इस एक्सप्रेशन को यहाँ लिखिएगा। ठीक है, सो सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स वी गेट 5b - a/b इज रैशनल। और ये कैसे रैशनल हुआ, यहाँ पर मैंने दिखा दिया, अगर ये रैशनल हुआ एंड सो √3 इज रैशनल, तो ये स्टेटमेंट पे वो सारा बात लिखा हुआ जो मैंने बोला, सो √3 इज रैशनल। तो √3 रैशनल नहीं है भाई, है कि नहीं, इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स
द फैक्ट दैट रूट थ्री इज इरेशनल, ये जो रूट थ्री हमारा रैशनल आ गया ये सॉल्व करने के बाद, यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है। वो कॉन्ट्राडिक्शन क्या हुआ कि हमको पता है रूट थ्री इरेशनल होता है, लेकिन यहाँ पर आ गया है रूट थ्री इज रैशनल। तो इसलिए यहाँ एक स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट थ्री इज इरेशनल। एंड कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट 5 - √3 इज रैशनल। हमने एक गलत अजम्पशन किया कि 5 - √3 एक रैशनल नंबर है, हैंस हमको लिख देना है कि 5 - √3 इज इरेशनल। वी सो वी कंक्लूड दैट 5 - √3 इज इरेशनल, ये भी लिख सकते हैं या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, हैंस 5 - √3 इज इरेशनल। ठीक है, तो इजी था। नेक्स्ट एग्जांपल जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, कुछ 11 में मूव करते हैं, इसके बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा जो आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है, मतलब होमवर्क में ये सारे एग्जांपल तो आपको करने ही है, एग्जांपल 9, 10, 11 और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा उसके नीचे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिख के आपको सॉल्व करके लाना है। ठीक है, अब देखिए, सो दैट 3 √2 इज इरेशनल, मतलब यहाँ पे एक रैशनल नंबर है 3 और एक इरेशनल नंबर है √2, तो दोनों का प्रोडक्ट हमको पता है वो इरेशनल होगा, लेकिन ये हमको प्रूफ करने के लिए बोला गया, सो दैट √3 इज इरेशनल, सॉरी 3 √2 इज इरेशनल। तो कैसे करेंगे, सेम उसी तरीके से हम मान लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, लेट 3 √2 इज अ रैशनल नंबर। सो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 √2 इज इक्वल टू ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। बहुत अच्छे हैं जो स्टेटमेंट लिखने में आलसी करते हैं, लेकिन स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, एंड जब मैं लिख सकता हूँ तो आप भी लिख सकते हैं, बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको यही काम करना है कि ये जो रूट है इसको अकेला कर देना है, तो इसके लिए 3 को हटा देंगे, 3 को जब हटाएंगे तो हट के ये सही आएगा, इधर मल्टीप्लाई है इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अगले स्टेप में ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू ए बाई 3 बी। एंड ए और बी तो इंटीजर है, पहले वाले क्वेश्चन में समझाया कैसे इंटीजर है, तो अगर ए बाई बी ए और बी इंटीजर है दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है ए बाई 3 बी ये एक रैशनल नंबर होगा, ये रैशनल नंबर होने का मतलब है ये भी रैशनल है, तो आपको इसके आगे स्टेटमेंट देना होगा कि सिंस 3a and b आर इंटीजर्स ए बाई 3 बी इज रैशनल एंड सो √2 इज रैशनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसके बाद ये स्टेप के बाद आपका सोल्यूशन सीधा ये स्टेटमेंट में आ जाएगा, ये स्टेप के बाद। ठीक है, तो इससे हमको ये मिल रहा है कि √2 इज रैशनल, बट देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन अगेन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, है ना, हमको तो पहले ही पता है √2 इरेशनल है, लेकिन ये यहाँ से ये दिख रहा है कि √2 रैशनल आ रहा है, बट ये कॉन्ट्राडिक्शन है। एंड वह तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ यहाँ पे लिखना होगा, लिखा नहीं है तो ये लिखना होगा स्टेटमेंट आपको, द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज of our incorrect assumption, हमने क्या assume किया था, that 3 √2 is a rational number, तो hence या वी कंक्लूड √3 √2 इज इरेशनल। ठीक है, क्लियर हुआ, तो ध्यान से समझिएगा, इजी है चैप्टर, तो अभी हम लोग इजी चैप्टर ही कर रहे हैं, आगे आने वाले चैप्टर्स आपका मुश्किल थोड़ा बढ़ा सकते हैं, बट चिंता नहीं है, आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी लगेगा, और मैं तो हूँ आपका हेल्प करने के लिए, सो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए।
अभी मैं यहाँ पे कुछ होमवर्क आपको देने वाला हूँ, उसको आपको करना है, ठीक है। होमवर्क मतलब देखिए, होमवर्क में आपका जो एग्ज़ाम्पल मैंने समझा वो तो रहेगा ही, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो उसके नीचे आप करके मुझे सेंड करेंगे। एंड इसको ईमानदारी से करना है, आप अगर किसी दूसरे से कॉपी कर लेते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान है। मैं तो दे रहा हूँ ताकि आप सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, लेकिन अगर आप इधर उधर से ईमानदारी से नहीं करेंगे तो फिर इससे में आपका ही सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। प्रूफ दैट फॉलोइंग आर इरेशनल, ठीक है। तो नंबर वन मैं देता हूँ √5, क्वेश्चन नंबर टू 6√5 प्लस वन, क्वेश्चन नंबर थ्री 3√2 प्लस टू, क्वेश्चन नंबर फोर 8√7, ठीक है। सो डू इट, थैंक यू स्टूडेंट्स।